हेलो जी, राम राम जी। ठीक ठाक सो सब मौज में? हम भी बढ़िया है भाई, मौज में सा। और भाई देखो, सुबह का 5 बजकर मैं आपसे आया लो बोल रही तो भाई वो जो आवाज़ थी वो तो बंद करनी पड़ी, बाद में आई डालनी पड़ी। क्यों भाई? कूलर पंखा चल रही, मोटर चल रहा है, रही चल रही थी तो इनकी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरी आवाज़ तो इनकी इनका खुड़का मैं सुनी ना रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। कुछ देर बोल रही थी भाई, नींद में उठा जब आपने पता चाहे सोए रहा तो इधर आ गई थी मैं अपनी चाय लेके कमरा में। मैंने सोची चलो उठ बैठ कर थोड़ी देर रात बात करूँगी और मम्मी पापा सब उधर पी रहे हैं चाय और बात भी ना हुई। देखो ऐसी वीडियो बनाई मैंने। और देखो भाई एक और बात बताऊँ, दिमाग ना कति पता नहीं किस जाए रहस है, याद रहना कुछ भी यादाश्त कमजोर होगी कति नो समझ लो, यादाश्त कमजोर होगी तो समझो भाई। देखो बुढ़ापा ही निशानी आ गई, बिल्कुल याद नहीं रही कि भाई आज किस है, आज थी भाई मावस। और भाई कल तक हम बात कर रहे थे कि कल मावस है, मैं और मम्मी बात कर रहे थे कि समोती मावस है। और भाई बिल सुबह ना बिल्कुल दिमाग में उतर गई, दिमाग में ही ना रही। ठीक से अपने चाय पी के फिर बाल कान कल नो कही थी मम्मी पोहा बना दिए तो भाई पोहा की तैयारी करने लग गई। फिर भी बिल्कुल भी याद नहीं यार, लेट। और भाई घने वक्त तो हम उठा को पहला ही लेट उठा हाँ, और 5-10 मिनट लेट थी आज। फिर भाई के करा, मम्मी गई बाहर गोबर गिर ना तो मम्मी ने पता चल लो भाई मास। फिर मम्मी बोली मावस ने मंगाया और दिमाग तो ही निकल गई मारा तो बिल्कुल भाई। फिर लग गया अपना फटाफट वो पोहा पावा भी जल्दी कुछ ऐसा ही बनो, क्यों भाई वो मैंने गैस पर रख लिया था बनाने खातर जब मम्मी ने बताई जब। और भाई मावस निकाला बिना कोई कुछ खा नहीं, इसके बालका ने लंच वंच कुछ नहीं दे इसका, भाई मावस निकाल नहीं रहा पहला तो भाई खीर बनानी थी भाई भैंस तीनों रस्ते जब अपने भैंस रस्ते जब तो भाई खीर ही बनावा, भैंस नहा रहे तीनों नहा रहे भाई अपना चावल बना लिया तो भाई खीर बनानी थी। तो बस भाई फिर हाबड़ दबड़ माच गई, फिर कोई वीडियो वाडियो सब कुछ भूल गई मैं तो, फटाफट ला गया अपना काम के। अरे भाई मैं पी लियो चाय, बहुत देर होगी पकड़ पकड़ करती चाय पी ली। देखो और फिर देख भाई बाद में कोई क्लिप ना निकल पाई, जल्दी जल्दी काम करो। खीर बनाई भाई, रोटी बनाई, चोर चात करी, मंडी वाली मुंडी निकाल के भाई, और भाई बाल भेजा स्कूल में, फिर झाड़ू पोछो बर्तन सब करके नहाई भी भाई ना तो जरूरत भी ना हो नहाई। और फिर फटाफट बनाओ नौकरों का टिफिन पैक करो कुछ, फिर बाल भेजा भाई। और फिर सो मतलब वो हो भाई के करो के छोड़ू फटाफट कर दो देखी जो होगी भाई वो बहुत ज़्यादा दूर है दौर में ऊपर कपड़ा झाड़ू पोतो रह गई नीचा कर आई झाड़ू पोतो कर आई बर्तन धोए आई गई नीचा हो गया सारो। और ना तो मैं पहला ही ली थी, मैंने सोची चल भाई ले मशीन लगा ली और अपना कपड़ा धो लूँगी साथ साथ छत पर झाड़ू पोतो सारा काम कर दूँगी। धूप हो गई थी पर आम थी और आम कह रही थी धूप ना लग जो मारी और जब नहीं चलना फ्लाट में कि छाया आ गया ऐसे और मैं बार बार नहीं देख रही थी बन भी रही थी। मैंने देखे भाई मैं तो ठीक ही ना रही है मैं भाई हाथ ना लगाया तो पार ला आता रहा था पानी का, मैंने सोचा भाई ठीक थी वैसी बन रही वैसी तो ये भाई डलिया से कपड़ा फटाफट का। Thank you.
और देखिए भाई कुछ कपड़े मतलब पहले धो दिए, फिर मतलब वाइट वाइट कलर के जो लाइट कलर के थे ना वो इन्नर में पहले डाल दिया करो कि भाई, और फिर थोड़ा सा डार्क डार्क कलर का सर ना इन्ना डाल दें तो मतलब कि फटाफट से काम हो जाए है। अगर इन्हें सार डाल दें कहीं कपड़ा को रंग निकल फिर वाइट कपड़ा ना खराब हो जाए है, तो भाई मेरे साथ कई बार हो जाए है गलती हो जाए इसे, या तो फिर मशीन में तो फिर मैं ना करूँ जब धोऊँ ना, जब इन्हें निचोड़ू जब वापस में कने बैठ जाए ना तो कई कपड़ा को इतना कलर निकले सके साथ बिड़ भी जाए इसे ना तो कई बार रंग लग जाए इसे, और ऐसी गड़बड़ करूँ मैं दुगू का पापा कपड़ा का साथ हो जाए मेरे कने तो ये बहुत गुस्सा करे इसीलिए कैसे रो ऐसा अलग करा कर फिर पता ना चल भाई जब सारा कपड़ा धोन जो आपस में रह ही जाए सर बहुत ध्यान दूँ फिर भी रह ही जाए से गड़बड़ और सारे कपड़े धोकर सुखा दिया और सुखाने के बाद जो भी गंद पानी निचोड़ने के बाद जो भी पानी था ना है ही नहीं डाल डाल कर सारी छत वगैरह में अच्छे से साफ करता हूँ भाई, धूल माटी इतनी ज़्यादा मतलब उड़ती रहे से कई लोग भी ना करो ऊपर को झाड़ू पोछो भाई ना हम भी ना करा अगर ऊपर ना आवा ना रवा ना तो ध्यान ना दे भाई दिल्ली करना पड़े क्योंकि ऊपर खाना भी बनावा जब भाई ऊपर वैसे रहा भी साइड तो कभी छत पर घूम लिया अपने उठा पैर मतलब छत पर ज़्यादातर रहा शाम तो भी मैं गंदी ना रखा करूँ दिल्ली कपड़ा धोकर वही पानी डालकर अपने छत साफ कर लिया करो सा, और दरिया जो चिमनी है ना आपने देख ली है हमारी रसोई की चिमनी और इसमें मैंने कपड़े लगा लगा कर इसको बंद कर रखा है, वही धूल मिट्टी आंधी चल रही धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ गया है तो जब सब्जी वगैरह कुछ बनाऊँ ना जब मैं एक दो कपड़ा मतलब एक दो मक्की का कपड़ा हटा लूँ था ताकि फिर वो बाप से ना बाहर निकले, मम्मी पापा तो कहता रहे मत लगाया कर मत लगाया कर, पर भाई क्या करूँ वो कितने बंद रख ले या मैं ना इतना मतलब तीन एक क्या इसमें चार साइड से चारों साइड में तीन तीन चार चार ये मक्खी से छुड़वा रखी थे तो भाई ना तो बहुत ज़्यादा गर्द हो जाए से तो मैं इन्हें बंद ही रखा करूँ ज़्यादातर जब बनानी हो सब्जी वब्जी कुछ ना दो तो भाई परमानेंट खुल धूप बहुत ज़्यादा हो गई मैं तो हो गया आज परेशान आज सुबह से ना सारा उल्टा उल्टा काम होगा ये कपड़ा निचोड़ निचोड़ के सारी जो भी छाप थी ना सारी की सारी साफ करती क्यों बहुत मिट्टी थी अब साफ होगी ये कपड़ा सूखूंगा रखा भाई और कमरों भी वैसे झाड़ू पोछो तो मैंने कर दिया